Hello everyone. In this video, we're going to discuss cyclones and anticyclones and the difference between these two. Now, most of the students get confused between cyclones and anticyclones, their direction, their characteristics in the northern and the southern hemisphere. So we'll try and clear all those doubts in the best way possible. All right, let's begin. अब साइक्लोन्स हमने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किए थे इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन वीडियो सो आवर मेन फोकस वुड बी ऑन एंटी साइक्लोन्स बट एनीवेज दोज ऑफ यू हु हैवंट वॉच्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन वीडियो दे कैन गो टू द सिविल कोसिफा एंड्रॉयड ऐप एंड वॉच इट देयर लेकिन फिर भी साइक्लोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे Now, first thing first, cyclones kya hote hain? Cyclones are basically spiral movement of winds at a low pressure center. Similarly, anticyclones are spiral winds around a high pressure center. अब low pressure बनता है generally tropics में subtropics में जहां पे local winds जो trade winds है उनका impact काफी ज्यादा आता है the tropical easterlies. Similarly, high pressure बनता है at the junction of the Headley cell and the Ferrel cell और poles के आसपास high pressure काफी देखने को मिलता है अब आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे किया जाए कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे मिलता है कहाँ मिलता है सबसे बेसिक फिनोमेना आपको पता होना चाहिए दैट विंड ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ जिसमें विंड के बारे में डिस्कशन होती है बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक फिनोमेना जो आपको हर बार पता होना बहुत जरूरी है उसके साथ साथ लो प्रेशर वहां पर होगा जहां पे टेम्परेचर हॉट या वार्म होगा और हाई प्रेशर वहां होगा जहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा कूल रीजन होगा अब कूल का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कोल्ड होना चाहिए या फ्रीजिंग पॉइंट पे होना चाहिए इट शुड बी कूलर देन दी लो प्रेशर रीजन एंड दी लो प्रेशर शुड बी वार्मर और हॉटर देन दी हाई प्रेशर रीजन तो एक दूसरे की कंपैरिजन में विंड की फॉर्मेशन होती है अगर एक रीजन से दूसरे रीजन पे प्रेशर थोड़ा लो है तो डायरेक्शन उसकी तरफ बनता चला जाएगा जहां पे प्रेशर लो है नाउ हम ट्रॉपिक्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन अगर हम लो प्रेशर को देखेंगे तो वार्म रीजन की तरफ लो प्रेशर की तरफ विंड कन्वर्ज करेंगे और ट्रॉपिक्स में कौन से विंड्स कन्वर्ज करेंगे दे विल बी द ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जब लो प्रेशर की तरफ आती हैं दे बेंड टूवर्ड्स द राइट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स और क्योंकि ये बेंड कर गई हैं टूवर्ड्स देयर राइट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सोर्स अलोंग द लाइन ऑफ पाथ और ये लो प्रेशर की तरफ जाना चाहते हैं इसलिए ये स्पाइरल मूवमेंट दिखाएंगे ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं सिंस दे आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट तो ये विंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा आपको ये पता होना चाहिए दैट विंड्स बेंड दे डिविएट टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दे बेंड और डिविएट टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर ये हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इफ यू आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट प्लीज गो टू द सिविल कोर्सिफा एंड्रॉयड ऐप और वहां पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाली वीडियो को आप जरूर देखो सिमिलरली जब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे द विंड्स वुड डिविएट टूवर्ड्स देयर लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ पाथ और जब ये लेफ्ट में डिविएट होंगे दे वुड ट्राई टू रीच द लो प्रेशर और इसलिए स्पाइरल मूवमेंट होगी ये लो प्रेशर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और इसीलिए यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड दिखाई देंगे तो साइक्लोन्स का हमने देखा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज फॉर्मेशन बिकॉज द विंड्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ज टूवर्ड्स द लो प्रेशर अब बारी आती है हाई प्रेशर की एंटी साइक्लोन में हमने देखा है कि सेंटर में हाई प्रेशर होता है क्यों होता है और कहाँ होता है वो अभी देखेंगे सबसे बेसिक फिनोमेनन आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है एट द सेंटर और अभी हमने पहले ही देखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड हमेशा जाते हैं तो यहाँ से विंड आउटवर्ड मूवमेंट में जाएंगे एंड वाइल मूविंग आउटवर्ड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट दे वुड डिविएट टूवर्ड्स द राइट अपने अपने लाइन ऑफ पाथ से राइट की तरफ डिविएट होते चले गए हैं सभी विंड्स एंड बिकॉज दे आर डिविएटिंग टूवर्ड्स द राइट यहाँ पे जो मूवमेंट होगी इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर तो हमने देखा था कि साइक्लोन के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज थी उसके ऑपोजिट एंटी साइक्लोन्स के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी फिनोमिनन सेम है कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं हाई प्रेशर से बाहर जा रहे हैं इस केस में लो प्रेशर के लिए अंदर कन्वर्ज हो रहे हैं इसीलिए डायरेक्शन और फॉर्मेशन ऑपोजिट है
अब उसी तरीके से अगर सदर्न हेमिस्फेयर हम देखेंगे, विंड्स वुड मूव आउट फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया एंड डिविएट टूवर्ड्स देयर लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ पाथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स लेफ्ट की तरफ डिविएट होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो मूवमेंट दिखाई देगी इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर। जैसे कि हमने देखा था कि साइक्लोन के केस में जो मूवमेंट है इट इज क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेगी इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये ऑपोजिट है। तो ये बेसिकली हमने टॉप व्यू देखे हैं ऑफ द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली। अब बारी आती है साइड व्यू देखने की। साइड व्यू या फ्रंट व्यू जब हम देखते हैं इन द केस ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर ट्रेस करना है। साइक्लोन्स के केसेस में हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लो प्रेशर है विच इज एट द सेंटर, सो दिस इज आर लो प्रेशर, और सेंटर में लो प्रेशर की तरफ जो ट्रेड विंड्स होंगे द लोकल विंड्स और द ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज दे कन्वर्ज, और कन्वर्ज होते वक्त जब ये मीट करेंगे दे वुड राइज अप। अब ये विंड्स काफी सारा मॉइस्चर लेके आए हैं अपने साथ वाइल कन्वर्जिंग एट द लो प्रेशर, और राइज करते वक्त ये जो वाटर वेपर है मॉइस्चर है इट विल कूल डाउन बिकॉज द विंड्स हैव रीच्ड अ हायर एल्टीट्यूड। कूल डाउन होने की वजह से वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। नाउ दीज क्लाउड्स वुड बी क्यूमुलोनिम्बस, और ये राइज करेंगे वर्टिकली, और ट्रोपोपॉज से ऊपर क्योंकि क्लाउड्स नहीं जा सकते हैं इसलिए दे विल स्प्रेड आउट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जब ये विंड्स अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्ज होंगी एंड देन दे विल सबसाइड एट अ रिमोट लोकेशन कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ साइक्लोन्स। अब ये साइकिल बनती जाएगी, लो प्रेशर से वार्म एयर राइज होता जाएगा, बारिश होगी, बहुत ज्यादा डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते जाएंगे। इसी वजह से साइक्लोन्स बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक रेनफॉल फ्लड्स स्टॉर्म सर्जेस लेके आते हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले हम स्पाइरल मूवमेंट देख रहे थे द टॉप व्यू, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ द विंड्स व्हाइल ट्राइंग टू कैच द लो प्रेशर एट द सेंटर एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो राइजिंग अप बिकॉज द विंड्स हैव कन्वर्ज्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये तो बात हो गई साइक्लोन्स की। अगर हम एंटी साइक्लोन्स को देखें, यहां पर सेंटर में एक हाई प्रेशर होता है जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है टॉप व्यू में, और हाई प्रेशर से हमें यह पता है कि विंड्स हाई प्रेशर से दूर जाते हैं, सो दे वुड डाइवर्ज अवे फ्रॉम द हाई प्रेशर, और डाइवर्ज होने के लिए इस हाई प्रेशर पे विंड आएंगे कहाँ से, विंड वुड सबसाइड फ्रॉम अ हायर एल्टीट्यूड, और यही सब्सिडेंस की वजह से इट वुड डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब हमने ये देख लिया कि विंड सबसाइड हो रहा है, तो ये सबसाइड किधर से हो रहा है? बेसिकली विंड को सबसाइड होने के लिए अपर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन चाहिए कि कहीं से विंड कन्वर्ज हुए होंगे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, इसीलिए वो कन्वर्जेंस की वजह से, क्योंकि ट्रोपोपॉज से ऊपर विंड्स नहीं जा सकते हैं, क्लाउड्स नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको नीचे सबसाइड करना पड़ेगा टूवर्ड्स दिस हाई प्रेशर। अब इस टाइप का सेटअप कहाँ मिलता है? इस टाइप का सेटअप मिलता है हेडली सेल और फेरल सेल के कन्वर्जेंस जोन में। जहाँ पे हेडली सेल और फेरल सेल मिलते हैं उस रीजन में अगर आप ध्यान से देखें यू वुड फाइंड अ सिमिलर सेटअप जहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में विंड्स कन्वर्ज करते हैं और फिर सबसाइड होके हाई प्रेशर रीजन से डाइवर्ज होके दे मूव इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसी तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब क्लाउड्स के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट जनरली क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स राइज अप फ्रॉम अ लो प्रेशर रीजन विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, उसी की वजह से क्लाउड बनते हैं। जब विंड सबसाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ हाई प्रेशर तो उस केस में क्लाउड बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स कन्वर्ज हो रहे हैं विच वुड नॉट अलाउ द क्लाउड्स टू फॉर्म, और क्योंकि यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं लेके आ रहे हैं अपर एटमॉस्फेयर में तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होनी मुश्किल है। मॉइस्चर सी सरफेस पे मिलेगा या लैंड सरफेस पे कोई वाटर बॉडी होगी वहां मिलेगा, इसीलिए इस रीजन में कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है। एंटी साइक्लोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लियर स्काइज, बिल्कुल साफ आसमान होगा, बिल्कुल नीला आसमान होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए जो हेडली सेल और फेरल सेल का कन्वर्जन जोन है वहां पर बहुत ही ज्यादा एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन बनती है और बहुत ही क्लियर स्काई देखने को मिलते हैं बिकॉज द विंड इज सबसाइडिंग। अब जिनको हेडली सेल और फेरल सेल का फिनोमिनन समझने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। दिस इज द अर्थ सर्फेस एंड दिस बींग 0 degree इक्वेटर 30 degree लैटिट्यूड। यहाँ पर हमें पता है कि विंड्स इक्वेटर की तरफ आते हैं द ट्रेड विंड्स, एंड व्हेन दे कन्वर्ज दे राइज अप,
और राइज अप होने के बाद दे डाइवर्ज बिकॉज ट्रोपोपॉज से ऊपर विंड्स नहीं जा सकते और इन विंड्स को सबसाइड करना पड़ता है एट 30 डिग्री लैटिट्यूड क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली एक हाई प्रेशर बन गया है एज कंपेयर टू द लो प्रेशर ऑफ इक्वेटर. सो दिस इज योर हेडली सेल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द हेडली सेल ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर. अगर हम 60 डिग्री लैटिट्यूड से देखें तो 90 डिग्री पोल से विंड्स कम टूवर्ड्स द कंपैरेटिवली वार्मर रीजन. पोल्स बहुत ठंडे हैं इसलिए वहां पर हाई प्रेशर होता है. विंड 60 डिग्री की तरफ आते हैं एंड देन दे राइज अप बिकॉज दिस इज अ कंपैरेटिवली वार्मर रीजन और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है. यहाँ पे भी सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलती है. टू कंप्लीट दिस साइकिल एक मैकेनिकल सेल बनता है विच इज नोन एज द फेरल सेल. तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन बनती है हेडली सेल एंड द फेरल सेल. अब इक्वेटर के पास में जब हेडली सेल कन्वर्ज हो रहे हैं, विंड्स कन्वर्ज हो रहे हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कन्वर्ज हो रहे हैं, यू कैन नोटिस दैट द विंड इज राइजिंग. दीज आर मॉइस्चर लेडन विंड्स और जब ये राइज करेंगे यहाँ पर आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे. ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगी. सिमिलरली जब यहाँ पे विंड सबसाइड कर रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ द हेडली सेल एंड द फेरल सेल, यहाँ पर आपको एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. बिल्कुल क्लियर स्काइज मिलेंगे. सिमिलरली पोलर रीजन में भी आपको एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको विंड की सब्सिडेंस देखने को मिल रही है. एंड यू कैन सी दिस पोर्शन विच इज द टेम्परेट रीजन. यहाँ पे भी विंड राइज अप हो रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे. इसीलिए हम दो टाइप के साइक्लोन्स देखते हैं, द ट्रॉपिकल और द सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल द टेम्परेट साइक्लोन्स. राइट, सो हमने साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के फीचर्स और उनके डिफरेंसेस देख लिए हैं. एक बार इन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर देते हैं. सबसे पहले हमने साइक्लोन्स के केसेस में देखा था दैट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विच इज अ फीचर ऑफ टोरेंशियल रेन, फ्लड्स एंड स्टॉर्म सर्जेस. सिमिलरली इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स वी सी क्लियर स्काइज, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है. उसके बाद हमने देखा था कि साइक्लोन के केस में लो प्रेशर रीजन होता है एट द सेंटर, whereas in the case of anticyclones we see a high pressure region at the center. Cyclone के केस में हमने देखा था the air rises up और anticyclone के केस में air subsides. The winds move inwards in the case of cyclones, whereas in the case of anticyclones we see an outward divergence. और दोनों ही केस में कॉमन फीचर है विच इज द कोरियोलिस इफेक्ट, जिसकी वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर. अब एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट वी जस्ट सॉ दैट मोस्ट ऑफ द एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन इज इन द 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, जहां पे विंड सबसाइड कर रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ द हेडली एंड फेरल सेल. क्या आपने नोटिस किया है दैट मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर इन दिस रीजन ओनली? बिकॉज जब विंड सबसाइड कर रहे हैं क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो नहीं पा रही है, बारिश हो नहीं पा रही है, इसलिए डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है इन दोज पर्टिकुलर रीजन. दिस इज वन ऑफ द रीजन्स वाई वी फाइंड डेजर्ट्स. बाकी लैंड फॉर्म की वजह से भी डेजर्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन रीजन में डेजर्ट्स मिलते हैं. बट एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स. अब हम साइक्लोन की बात कर रहे थे. Have you ever wondered कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन बन रहे हैं नियर द आई टी सीजेड रीजन रफली बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो क्या ये साइक्लोन्स कभी इक्वेटर को क्रॉस करके सदर्न हेमिस्फेयर में या वाइस वर्सा जाते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज हमने ऑलरेडी ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली वीडियो में देखा था दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इज कोरियोलिस इफेक्ट, और कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होती है, इसीलिए इक्वेटर तक आते आते ट्रॉपिकल साइक्लोन वुड डाई आउट. यही रीजन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का साइक्लोन कभी सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं जाता और ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं होता है. राइट, सो दिस वॉज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर डिफरेंस. I hope that you enjoyed and understood the video. If you did, please give us a like, comment and share. And please ask your doubts in the comment section. Please, please download the Civil Coursify Android app from Google Play Store. And also share it with your friends so that more and more students can get access to this content. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.